कितना बड़ा झूठा बीजेपी वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य डमी कैंडिडेट है, वो खुद डमी बता रहे हैं, वो डमी है। यहाँ फाजिल नगर की जनता ने उसको एक बार खदेड़ा है, इस बार कुशीनगर के लोग खदेड़ेंगे कि उसकी लीड की हड्डी टूट जाएगी। कुशीनगर का सबसे बड़ा जो है समस्या क्या है, उस किस समस्या पर आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं? कुशीनगर में जो भी बड़ी परियोजना आई है वो समाजवादी सरकार में आदरणीय नेताजी ने लाने का काम किया है। पड़ौना को जिला समाजवादी पार्टी ने बनाया, छितौनी रेल बघापुर समाजवादी सरकार में बना, आज़ादी के बाद पहली बार नई चीनी मिल हाटा में समाजवादी पार्टी ने बनाया, एक जिले में दो बड़ी तहसील कप्तानगंज खड्डा को समाजवादी पार्टी ने दिया, समाजवादी पार्टी ने एक नदी पर एक दर्जन पुल बनवाने का काम किया, समाजवादी पार्टी ने एक जिले में दो नगर पालिका बनवाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे करती नहीं है। इसी धरती पर मोदी जी आए थे और कहे थे 100 दिन में पड़ौना की चीनी मिल चला देंगे, नहीं चला पाए। उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को रोक देंगे, नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपये सबके खाते में दे देंगे, नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, नहीं दे पाए। बताइए आप लोग पड़ौना के रहने वाले हैं, कोई विभाग बता दीजिए पड़ौना में बिना पैसे का कोई काम होता हो तो बता दीजिए। इसलिए हम समाजवादी लोग चुनाव जीतेंगे तो कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। उसी नगर में वो परियोजना जो समाजवादी सरकार में रुकी हुई थी, जिसको 260 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था, 100 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया, और जिस दिन उद्घाटन करने आए थे मोदी जी ने कहा कि मैं कुशीनगर को सिंगापुर बना दूंगा, क्या उड़ान दिल्ली तक नहीं हो रहा है? ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री होकर के और छोटी छोटी बयान दे करके भारत में और विश्व में अपनी गरिमा गिरा रहे हैं। चुनाव में बीजेपी का कहना है कि हम 8 लाख पार करेंगे यहाँ पे कुशीनगर में, तो क्या कहते हैं? जब 19 लाख मतदाता हैं और 9 लाख वोट पड़ेगा तो 8 लाख वोट उन्हीं को मिल जाएगा, तो बोलिए कितना बड़ा झूठा बीजेपी वाले हैं। और कह रहे हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य डमी कैंडिडेट है, वो खुद डमी बता रहे हैं, वो डमी है। यहाँ फाजिल नगर की जनता ने उसको एक बार खदेड़ा है, इस बार कुशीनगर के लोग खदेड़ेंगे कि उसकी लीड की हड्डी टूट जाएगी।